आज मेरा और मेरे भाई का जो कि 3-2 साल से वर्कआउट कर रहा है जिम में डेली, 2 साल से रेगुलर आता है ये, इसका और मेरा कंपटीशन हो चुका है। मुझे 3 महीने हुए हैं ज्वाइन करके जिम को, आज इसका मेरा चैलेंज हो चुका है जो कि स्क्वाट्स पे और डेडलिफ्ट पे कौन ज़्यादा हैवी वेट उठा सकता है, इसका चैलेंज हो चुका है। और ऑडियंस भी हमारे साथ है पूरी जिम की, और ऐसी भी बात नहीं, अगर हार भी जाता है कोई तो बात की बात है, पर पहले देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना उठा सकते हैं। चलो भाई, इसने ये वार्म अप सेट शुरू कर दिया भाई, अब ये मुझे हराने के लिए वार्म अप कर रहा है। क्या लग रहा है भाई, हरा पाएगा मुझे? नहीं भाई, मेरे इंजरी है काकू, ये बहाना है, ये तो बहाना है इसका भाई, लोअर बैक में इंजरी है। कोई इंजरी इंजरी नहीं है, चूतिया बना रहा है भाई। 3 साल से तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारे तब भी इंजरी है, चूतिया बना रहा है मुझे। ये भी नया है, जानता नहीं है कि लोअर बैक की इंजरी क्या होती है। हाँ, धीरे धीरे पता पड़ेगा भाई। तुम मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाना, देखते रहना, मैं भी वेट उठाता हूँ भाई। मैं वैसे पावर लिफ्टर नहीं हूँ, पर यही है कि कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट देने की, और इसको अपने से 1 किलो, भले ही 1 किलो या मतलब 2.5 किलो वजन एक्स्ट्रा लगा के, इससे ज़्यादा 2.5 किलो एक्स्ट्रा लगा के मारना है। पर भाई मैं तो पहले से हारा हुआ हूँ, क्या कह रहा है भाई? मैं तो पहले से ही हारा हुआ हूँ, वो हरा के चली गई। मरोड़ में गले भी आ गई मेरे भाई। तुम भाई कह रहे हैं मतलब इसकी तरफ है? हाँ, मेरी तरफ कौन है, मेरी सपोर्ट में कोई है? अगर मेरी लोअर बैक इंजरी होती ना तो आज शायद ये बोल भी नहीं पाता। तो भाई इसकी सपोर्ट में बहुत लोग हैं, पूरी जिम इसी की सपोर्ट में है, सारे लोग अभी, पर मेरी सपोर्ट में सिर्फ मैं हूँ और मेरी हिम्मत है, इसके अलावा कोई नहीं है। ओके भाई, देखते रहना ब्लॉग आगे भी। तो भाई सीधे अभी मारूंगा इसको, लगाने तो जितना लगाना है, क्योंकि मेरी इंजरी हो रही है, मैं एक बार में मारे खत्म कर दूंगा। जिसका इतना पीआर है ना, सब एक बार में मार के खत्म कर दूंगा। दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, मतलब वेट दोनों बहुत अच्छा उठाते हैं, पर मेरे सामने कुछ नहीं दोनों। आ जाओ, तो ऐसा है कि डायरेक्ट भी जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो भाई हर कोई डालेगा, उठा लेते हैं भाई। ये हम जो जिम में आए हुए होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, वो डायरेक्ट हैवी वेट उठा लेते हैं, 100-120 उनके लिए इजी रहता है। पर ये है कि 10 से जाएंगे ना 20 किलो, से धीरे धीरे एक एक प्लेट बढ़ाएंगे तो उससे हैवी पड़ जाएगा, उससे दिक्कत भी आएगी, क्योंकि स्टेमिना धीरे धीरे लो होता चला जाता है, और एकदम प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए। इसकी भाई मरोड़ तोड़ूंगा इसकी। अरे पूरी ट्रेनिंग से आया है, कैसे पता है ना मेरी लोअर बैक इंजरी है, इसलिए ने डॉट डेट लगा भाई इसमें 10-10 और बढ़ा। धीरे धीरे वेट बढ़ाना है, एक साथ नहीं। भाई ये 80 किलो तो बिना बेल्ट के मान लेता, ये ब्लेड बेल्ट मांगता है। चलो फिर भी इंजरी ना हो, कंपटीशन को थोड़ा सा सीरियस तरीके से करना है, अपनी बेल्ट लगा के सेफ्टी के साथ में मारना है, ऐसी नहीं कि इंजरी हो जाए कंपटीशन के चक्कर में, तो नहीं चाहते ना। आ गया कंपटीशन, तुम मेरी तरफ है इसमें और मेरी तरफ इसमें और मेरे में कंपटीशन हो गया है। ले 80 से मार रहा है भाई, एक ही मारी है बस, हटिया भाई। नाच गाड़ का चल, प्रॉपर फॉर्म में है भाई। देखो भाई एक स्क्वैट्स मार गई इसकी तो फट गई, मसाज कराने लगा। हाँ हाँ, और बॉडी दिखा अपनी, ओए शिवम बॉडी दिखा। यस, हो गई ठीक। इसमें और मुझ में वेट कंपटीशन हो रहा है, हैवी वेट का, कौन जीतेगा? बंटी मैं सारे इनकी तरफ हो रहा है, जीतेगी बंटी, मतलब कोई मेरी साथ नहीं। अब ये 100 किलो से मार रहा है भाई, इसकी फॉर्म देखनी है प्रॉपर है कि नहीं।
हल्का सा पीछे हो गया। एकदम प्रॉपर फॉर्म है भाई, बढ़िया। और तू ये डंडा लेके क्या कर रहा है भाई? जो आ रहे हो उसको पेले था भाई आज। डेड डंडे, डेड डंडे। अब तेरे डंडे के डर से जीत नहीं पड़ेगा। 100 किलो यार, बहुत इजी बेटा यार, बहुत इजी। मैं तेरा भी सीधा देख भाई, मैं नहीं चाहता कि तुझे इंजरी हो जाए। तू बार बार एक स्क्वाट मार के बार बार कमर की एक्सरसाइज कर रहा है अपनी, लोअर बैक की। भाई ये मुझे बहुत दिनों से पोक कर रहा था। पर तो भाई तू कहता रहा, छोड़ दे ना चैलेंज। कब तक सहूंगा मैं? चैलेंज छोड़ दे ना, लेने के चैलेंज छोड़ दे। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मेरी बट रही है क्या? मेरी नहीं बट रही, मैं तेरी इंजरी के चक्कर में, मैं नहीं चाहता मेरे भाई की इंजरी हो जाए। अरे बेटे हल्के में ले रहा, पता पड़ेगी तुम सब रहे एक तरफ और मैं अकेला और ये सारे के सारे। देख लो भाई इनकी बॉडी, मेरी बॉडी देख लो भाई, है ही नहीं भाई। वेट बढ़ा इसमें जल्दी, लक्की वेट ला। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो वेट है वो 40 से सीधे 120 पहुंच गया। मैं इसकी सपोर्ट के लिए पीछे खड़ा रहा हूँ। भाई मेरा, मैं नहीं चाहता कि ये भाई चारा ऑन टॉप भाई। सपोर्ट के लिए खड़ा रहा हूँ, जब भी हार जाऊँ उससे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। छोटा भाई इसमें भी मेरी जीत है। हमारी पी आर पता चल जाएगी कि हमारी क्या है, क्या कितना वेट उठाने की हमारी हुआ लिमिट, ये तो पता चल जाएगी। और ये भी पता चल जाएगी कौन ज़्यादा उठा सकता है। बोले बोले रात का नाम है जी। और मुझे लग रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि वेट उठाने में मतलब स्क्वाट्स मारने में थोड़ी टाइट हो रही है बेल्ट बांधने के बाद, तो मैं उसको उतार दे रहा हूँ ताकि थके नहीं। मैं बॉडी लगा रहा हूँ, बॉडी चाहिए नहीं, और बॉडी देख लो, इसकी बॉडी देख लो भाई, बेजार। चलो भाई पीछे आ जाओ भाई, पीछे ऊपर रख दिए बोलू। बहुत बढ़िया, टेंशन बढ़ गई इसे। 140। तो भाई अब ये वेट है 140 और दोनों आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं आपस में। 140 मैंने कभी नहीं मारा भाई, आज मेरा पीआर बन जाएगा, पर नहीं बना तो फिर खत्म ही है। दर्द हो रहा बड़े भाई से हारने पे भी जीत गया, क्या होगा? नहीं दर्द हो रहा है, मेरी लोअर बैक में बहुत तेज, मेरे भी दर्द ही हो रहा है भाई, ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा। इनके दर्द हो रहा है, क्या दर्द? बॉडी में दर्द होता भाई, इसमें दर्द थोड़ी ना होता। लगा दो आने, आ जाए
चल भाई इसके पीछे खड़ा रहूंगा मैं। 140 ये लास्ट चेस में पता पड़ जाएगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। सेट कट कुछ ना है कुछ ना है बेकार है भाई बेकार है फेल है फेल है। अब वेटर्स बोलेंगे फेल है फेल बताएंगे गाड़ तक का झोल लगा दिया पोजीशन में नहीं था मगर ये वाली कौन सी वाली अब आप 140 का दूसरा अटेम्प्ट लोगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि इससे वेट कम करके क्योंकि 140 हम तो उठा नहीं 130 ट्राई करेंगे ये भी मारेगा 130 मैं भी मारूंगा 130 अभी कितना 130। तो भाई अभी जैसे कि हम दोनों ने मारा 140 हमको लगा नहीं तो अभी एक तरफ तो ये टोटल जो है अभी 120 वेट है। अब इसमें 5 किलो हमने ऐड कर दिया इधर तो अभी 130 हो चुका है। तो अब देखते हैं 130 से हमारा निकलता है कि नहीं लैब और PR भी पता चलेगा। पर यही है कि अरे बंटी काफ़ी टफ चैलेंज मिल रहा है ये तो यस अब मेरी बारी। ये फॉर्म कैसी थी भाई परफेक्ट अब मेरी बारी है तेरी है माना क्या हो गया भाई दर्द हो गया यार। लाइट किसने कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है लाइट किसने बंद करी सर। अरे गाना बंद करो यार तवा बना दो बनी बनी यही है बस जीवन में 2 किलो बैन उठाओ और 10 बार बैठ जाओ फाइनली कम ऑन ये जीत गए भाई जीत गया भाई क्या हो गया भाई दिक्कत आ गई करके दिखा।
ऐसा है उसकी इंजरी में, उसकी इंजरी हो रही है ना बैठ में, तो थोड़ा मैंने सोचा कि चलो आप जाता हूँ। बहाने बना रहा है भाई। या भाई जीत गए। पहले ही बोला था रोड में घने जा लिए। भाई मैंने 6 महीने से डेडलिफ्ट की मारी, मतलब वो स्पॉट की मारी है, फिर भी देख ली। मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे सेम वेट से। 100 कितना है? 130 ना, 130 की वीडियो डालूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। बताऊ मैं हारा चाहता, मेरे साथ में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। जिससे भी पूछो जिससे भी पूछो कवर अप कर रहा है, कवर अप अपनी भाई सच्चाई है। मेरे साथ एक भी बंदा नहीं था सपोर्ट करने वाला इसके, उसके साथ में 1 2 3 4 और इसका दोस्त ये 5। बताओ मैं कहाँ तक खेलता भाई। सब मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे थे तो मैं हार गया, कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया मेरा, हार गया भाई। कवर अप खाली कवर अप कर रहे हैं भाई। जो सच है वो सच है, मेरा कॉन्फिडेंस में डाउन करा गया था, तब मैं आ रहा हूं। बोला था मेरे साथ मेरी हिम्मत है भाई। सुन यही बेटा सेम, ये बेटा ना, ये सेम बेटा है। कब से बात देख लियो इंस्टाग्राम पे डालूंगा। भाई सीरियसली अब ऐसा है कि इंजरी ना हो जाए, इस वजह से हमने कॉम्पिटिशन को यही इसको विनर डिक्लेयर कर दिया है। मेरे भाई को हम हार चुका, मैं हार चुका हूँ, मैंने अपनी हार एक्सेप्ट कर लिया। रेट के हट जा रे, हट जाना पीढ़ी हो जाए। चल चले ऐसा ट्रेस मारे तो दम नहीं है भाई।